हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं। अनिल जी, आप इस आज डेट जो अनाउंस हुआ, आप इसकी तैयारी पहले से कर रहे थे, कई हफ्ते से आप पीसी करते हैं, कई मुद्दों पे आप पीसी करते आए। बिल्कुल, लगातार हफ्ते से नहीं बल्कि मैं 2.5 साल से पीसी भी कर रहा हूँ, बोल खोल रहा हूँ, सड़कों में जा रहा हूँ, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा हूँ, इनकी कथनी करनी का फर्क बता रहा हूँ, दिल्ली की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। खासतौर से जो मुद्दे हैं, जब विपक्षी सवालों के जवाब सरकार सत्ता में नशे के चूर होकर के जवाब नहीं देगी तो स्वाभाविक है कांग्रेस अपना दायित्व निभाएगी। और मुझे खुशी है, कोरोना काल हो, दिल्ली के दंगे हो, तो हमने उन तमाम उन चुनौतियों का सामना करते हुए लोगों की आवाज़ हम बने हैं। सो आज चुनाव अनाउंस हो रहा है, हालांकि चुनाव पहले होना चाहिए। चुनाव क्यों नहीं हुआ, आप सब लोग जानते हैं, भाजपा ने जिस डर से कही, खौफ से कही, हार का डर कही, उसे टालने के लिए परिसीमन लाया गया। परिसीमन पूरी तरह से दलित और माइनॉरिटी विरोधी था, उसमें अरविंद केजरीवाल मौन बने रहे, चुप बैठ गए। ये उस तरह ध्वस्तांस वाली कहानी है कि अन्याय होता देख जो चुप हो गए। तो आज वही हो रहा है दिल्ली के अंदर, अरविंद सरकार में रह के एक शब्द नहीं बोलते कि ये परिसीमन का मैं विरोध करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि संघ के इशारे पे चलने वाला मुख्यमंत्री क्या जवाब देगा। आपका बड़ा दुश्मन कौन है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? देखिए, बात दुश्मन की नहीं है, बात है स्पर्धा, यदि शब्द यूज करें स्पर्धा, बात है कसौटी पे खरा उतरने की। इन लोगों को मौका दिया था 2013 में, अरविंद को दिया, केंद्र में भाजपा को दिया, भाजपा को 2017 से लगभग 15 साल एमसीडी में दिया। अब इन तीनों जगह को आप देखिए, केंद्र, दिल्ली और एमसीडी, क्या स्थिति है। एमसीडी का हाल ये है कि उनके खुद भ्रष्ट अपने लेंटरमैन पार्षदों ने अपने प्रधानमंत्री के उस प्रोग्राम की हवा निकाल दी, स्वच्छ भारत अभियान की। क्या स्थिति है, गली मोहल्ले में गंदगी के ढेर है, दिल्ली के एंट्री पे दीजिए गंदगी के पहाड़ हैं, बेचारे कर्मचारी परेशान हैं। यहाँ आप कर्मचारियों को मजदूरी के रूप में जो आप देते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल प्रथा पे लेके आते, और आप कहते थे हम पक्की नौकरी देंगे। यहाँ एमसीडी फेलियर है, वहाँ आम आदमी फेलियर है। कहीं कहीं सिंगापुर लंदन बनाऊंगा, क्या बनी दिल्ली? आज देखिए, विश्व के अंदर सबसे प्रदूषित शहर नहीं, राजधानी नहीं, ये दिल्ली बन गई। इसे क्या कहेंगे, कौन फेलियर है? आप छठ नहीं बनवा पाते 8 साल में, 1.5 करोड़ जनता को कहा था कि डुबकी लगवाऊं, इस बार छठ नहीं बना पाए हम यमुना के अंदर। ये क्या दिखाता है, फेलियर है। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट देखिए क्या स्थिति है। सो अरविंद से वो सवाल पूछे जाएंगे, और जो मैं कसौटी की बार बार बात कर रहा हूँ, हर कसौटी पर ये लोग फेल साबित हुए हैं। दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं, अरविंद छुप के घर बैठ जाते हैं। सीएनआरसी को लेकर के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ, संविधान में अधिकारों के साथ एक वर्ग अपने बात रखता है, अरविंद उनका साथ छोड़ देते हैं। बल्कि प्रश्न ये उठता है कि उनका बयान मुझे याद आता है कि 2 घंटे दे दीजिए पुलिस के, मैं खाली करा देता हूँ। ये जो बदला हुआ अरविंद का चरित्र है, इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे, बिंदु होंगे, जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसपे आप दिल्ली के वोटर्स के पास जाएंगे, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप रखेंगे वोटर्स पे? मैं एक लाइन में बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की प्रदूषित दिल्ली, और कांग्रेस की दिल्ली होगी चमकती दिल्ली, शिलाजी की दिल्ली और कांग्रेस की दिल्ली। इसमें सब विभाग आएंगे, इसमें साफ सफाई आएगी, हेल्थ आएगा, एजुकेशन आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, और दिल्ली की खोई हुई पहचान आएगी। और आपको जो एक इम्पॉर्टेंट है कि जब पिछले बार एमसीडी के इलेक्शन हुए थे, जब बाय इलेक्शन हुआ, तो उसमें आपको अच्छी जीत मिली, आपके काउंसलर्स भी जीते, क्या आप उस सिलसिला को इस बार बड़े लेवल पे लेके आएंगे, और कितनी सीट की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जिस सीट का आप जिक्र कर रहे हैं वो बाय इलेक्शन था, और बहुत कम समय में, मुझे गर्व है इस बात का, बहुत कम समय में हमने दिल जीता, एक सीट जीते, 22% लोगों ने हमें लाइक किया। तो बहुत कम समय में जब एक सीट जीते, तो 2.5 साल के समय में मैंने लोगों ने संघर्ष किया है, लोगों ने बदलती हुई दिल्ली देखी है। कांग्रेस और सीनियर जी की जो दिल्ली होती थी, खूबसूरत दिल्ली, जिसकी पहचान विश्व में थी, उस पहचान को इन्होंने धूमिल कर दिया। एक प्रदूषित दिल्ली, एक यहाँ रेप कैपिटल दिल्ली, आज यहाँ कोरोना काल में सबसे विफल दिल्ली हमने देखी है, ये पहचान दिल्ली की। आज दिल्ली के गंदगी के कूड़े के पहाड़ की दिल्ली, गली गली मोहल्ले में गंदगी के कूड़े की दिल्ली, भ्रष्टाचारी मंत्री और भ्रष्टाचारी पार्षदों की दिल्ली, ये पहचान है, अंतर साफ है। तो मैं उस शिलाजी की कांग्रेस की दिल्ली को आगे लेकर के जाऊँ। जो मैंने कहा, भाजपा और आम आदमी पार्टी की जो प्रदूषित दिल्ली है, प्रदूषण हर क्षेत्र में फैला है, राजनीति में प्रदूषण फैला है, तो वो उसको खत्म करना है। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी चमकती दिल्ली, शिलाजी की दिल्ली, ये दिल्ली हम बनाएंगे। क्या राहुल गांधी जी आएंगे इस इलेक्शन में, एमसीडी के इलेक्शन में आशीर्वाद देने आपके कैंडिडेट्स को? राहुल जी जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं, वो देश का उद्देश्य है, देश को जोड़ दे रहा हूँ ना। इस देश में जो भय है, बेरोजगारी है, अराजकता है, नफरत है,
मनों में जो बैर है उस बैर को मिटाने के लिए राहुल जी भारत जोड़ने पे निकले हुए हैं, वो अपने मिशन में आगे बढ़ रहे हैं और उसमें दिल्ली भी जुड़ी हुई, उसमें देश जुड़ा हुआ है। और आज मुझे गर्व है कि मेरा नेता अपनी इस कांग्रेस की परिपाटी को आगे लेकर के जा रहा है, इस देश को जोड़ने के उद्देश्य से आज सड़कों पर है। लगभग 3570 किलोमीटर तो अनाउंसड है और मेरा दावा है 4000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा पूरी होगी, क्योंकि लोगों की मांग है कि राहुल जी इस रास्ते से गुजरे। तो राहुल जी अपने मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, मिशन एक है, देश को जोड़ना, एकजुट रखना, तरक्की पे आगे लेके जाना। अनिल चौधरी जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख पा रहे हैं कि कितना सीट उनको एमसीडी में मिलेगा। विद कैमरा पर्सन दीपक प्रणव प्रखर रिपोर्टिंग फॉर विजन टेलीविजन वर्ल्ड।